Oh my god, what a view! Oh, तुसी ग्रेट हो हाले जी, तुसी ग्रेट हो लद्दाख जी, ग्रेट हिमालयस आर ग्रेट ग्रेट। वो लिखा हुआ है आई लव हानले। हानले का सफर यहाँ से रह गया है सिर्फ 40 किलोमीटर्स, और 40 किलोमीटर्स करने को भी 40 मिनट्स ही लगेंगे जिस हिसाब से रोड्स हैं। 36 हानले, सीनिक व्यू, टॉप सीनिक व्यू आ रहा है। और क्या लंबी रोड है, इधर देखिए नजारा, इधर देखिए, देखने लायक है नजारे। 33 हानले, और रेंज देखो वो हिल्स की, वाह जी वाह। और उधर बहुत सारी शीट्स बैठी हुई है, जो इस साइड में ना बर्ड्स भी होते हैं ना, वो भी ऐसे मिट्टी रंग के होते हैं। अभी एक बाज उड़ के इधर को गया है, और वो पूरा येलोइश जैसे ये सैंड है, ऑलमोस्ट इसी कलर का ही। हॉर्स खड़े हैं, हॉर्स भी इसी कलर के हैं। ये ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मैं किसी रेगिस्तान से जा रही हूँ। वैसे तो है ये कोल्ड डेजर्ट ही, पर ये आज पक्की फील आ रही है। कैंपिंग करी हुई वहाँ पे, यहाँ तो कैंपिंग है, यहाँ किसी ने कैंप साइड में किसी को ठहराया हुआ है खुद टेंट लगाकर। फॉरेनर्स जो होते हैं ना, उनको हानले में रुकने की इजाज़त नहीं है। हो सकता है ऐसे लोगों को ये बाहर स्टे दे देते होंगे ऐसे जो टूर गाइड होते हैं, क्योंकि यहाँ से वापस जाना, अगर आप हानले पहुँचते हो एक दिन में, तो अप डाउन करना टच एंड गो वाली बात ही है। और अब मेरी सांस थोड़ी थोड़ी सी ना अटकने लग गई है, चढ़ने लग गई है। या तो मैंने जलेबियाँ खा ली हैं, उसका इफेक्ट है, खानी नहीं चाहिए थी वैसे मेरे को, है ना। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू, ओह तुसी ग्रेट हो हानले जी, तुसी ग्रेट हो लद्दाख जी, ग्रेट हिमालयस आर ग्रेट, ऑसम। Oh my God, superb। ये है कि अगर तो यहाँ पर बहुत तेज हवा चले ना, तो सैंड स्टॉर्म भी आ जाता है। और सैंड स्टॉर्म आने का मतलब ये है कि आपसे बाइक तो चलेगी नहीं, इतनी धूल मिट्टी होगी, आपको हेलमेट में भी कुछ नहीं दिखेगा, और आपको बाइक को पार्क करके नीचे बैठ जाना होगा। श्रावण मंथ में मैं यात्रा पे निकली हूँ, हिमालयाज की यात्रा पे, मैं जिगजैग बने हुए हैं। कितनी फोटोज खींचू मैं, कितनी फोटोज खींचू, साइड पे सीन देखो तो, सामने देखो तो। भाई आप खुद ही अब हानले पहुंचो, सभी लोग जिस जिसने फोटोज देख ली है ना, बस वो पहुंच जाओ। वो सारी शीप्स का झुंड है जो बैठी हुई वहां पे, छोटा सा गांव आने वाला लगता है वो। जय हो महाराज, लाल पत्थर के पहाड़, जय हो। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, कोई घास नहीं है इस पे, ये हरी हरी, इसका रंग ही ऐसे है। अब ये देख लो, अगर और किसी ने देखा तो मुझे बताओ। लग रहे हैं पूरे के पूरे, ये देख लो पूरी सैंड है, नूपुरा के जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं ना वैसे ही। और आने वाले 2-3 सालों में ना, यहाँ पर भी समझो कि सब कुछ आने वाला है। 2-3 सालों में ये सारी डेवलपमेंट हो जाएगी, पक्की बात है। देखो ऊपर से बर्ड्स आ रहे हैं, ऐसे बर्ड्स यहाँ पे कम ही दिखते हैं, जैसा यहाँ पे हार्श वेदर है।
और कुछ राइडर्स आ रहे हैं आगे से, चलो राइडर्स को बाय बाय कर देते हैं। बड़ी लेट निकले राइडर्स मेरे जैसे ही। यस यस चलो। हथा वर्गा कोई हथियार नहीं बनया, ना कुछ बन गया लोगों, कुदरत तो पार नहीं बनया, कुदरत तो पार नहीं बनया। फिर रह गया हाले सिर्फ 9 किलोमीटर्स और आपको नज़ारे और भी हसीन दिखने लग गए, सही में ना। मैं बड़े टाइम पे पहुंच गई हूँ, सुबह अर्ली निकली थी। अर्ली इसलिए निकली थी कि धूप जो है ना वो 12 बजे के बाद बहुत तेज़ हो जाती है, तीखी धूप होती है। और सोलो हूँ, कोई बाइक में प्रॉब्लम ना आए या कुछ, इसलिए टाइम भी निकल आई थी 7 o'clock। रास्ते में फिर मैंने रुकना भी बहुत जगह होता है, कभी कहीं फोटो कभी कहीं फोटो, तो करते करते देख लीजिए 3 बज जाएंगे मेरे को होम स्टे में पहुंचते हुए। हालने में ज़्यादा होम स्टे भी नहीं है, पर फिर भी तन्मय भाई ने अरेंज करके दिया है होम स्टे का। स्लो बोला है, स्लो चलिए लिखा है, जगह जगह पे ना साइन बोर्ड लिखे हुए हैं BRO में। ये बहुत तीखी ढलान है ना, क्योंकि अगर राइडर फास्ट आ रहे होते हैं, ये देखिए अभी ओ तो गिर सकते हैं बाइक है अभी। तो ये है भाई सारे का सारा इधर टेंट एरिया, ये मेरे ख्याल में रॉयल इनफील्ड का लगा हुआ कैंप। और वो होम स्टेज तो यही है, पद्मा होम स्टे, रॉयल इनफील्ड की गाड़ी है, और दूसरा होम स्टे कहाँ है ये देखता। ओके वो लिखा हुआ है आई लव हानले, तो मेरे को भी जाऊँ। और होम स्टे इधर बने हुए, चलो देखते हैं अपना होम स्टे कहाँ है। अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, रास्ता भी बन रहा है। कहाँ से जाना है यार, पूरी मिट्टी 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 आ गई, मिट्टी मिट्टी सैंड ही सैंड, टायर स्लिप कर रहा है। तो बड़ी मुश्किल होगी। चलो भैया आप चलो, लामो होम स्टे में जाना है वो तेरी। ये बड़ी मुश्किल वाला काम है, सैंड वाला, सैंड ड्यून्स वाला। निकल गए निकल गए निकल गए, आगे भी है। फाइनली हानले, जिसकी कि अभी रोड नहीं बनी है, पीछे से रोड बन चुकी है, पर हानले विलेज तक जाने के लिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ऊपर से जाना है कि नीचे से, ये नहीं समझ लग रही। किसे इधर से घूम के फिर उधर जाना है, ठीक है चलो भाई। धूप में काम भी करना, रिबेंस लगा के काम करते हैं, इतनी ज्यादा तीखी धूप है। लो जी शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं कह सकती मैं, काम चल रहा है तो एक छोटी सी कच्ची सड़क बनाई हुई है होम स्टे तक पहुंचने के लिए। ओ तेरी, जो वेट भी बनी हुई है वो टॉप पे, ये देख लो
ऑब्जर्वेटरी में बहुत लोग काम करते हैं। अब किधर से जाना है, इधर से मुड़ जाते हैं। पर छोटे छोटे से और होम स्टे की लोकेशन का कुछ नहीं पता लग रहा, कहाँ पे होगी, और सभी पैक्ड हैं कहते, मेरा होम स्टे नहीं पता लग रहा। उमलिंगला रेजिडेंसी ये है, फटाफट से काम चल रहा है। सीज़न फाइनली, ये फाइनली होम स्टे आ गया, लेमो होम स्टे। चलो जी चलते हैं अंदर, होम स्टे में भी जगह नहीं है कहते। तन्मय ने फोन किया होगा ना, ठीक है। तो मैं गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी हूँ, छोटा सा गेस्ट हाउस है ये, देखिए ये वाला मेरा बेड है, शेयरिंग में मुझे रहना पड़ेगा, पता नहीं, आई डोंट नो कौन आएगा कौन नहीं, बट ठीक है, रेस्ट करने के लिए, रात उठने के लिए। और ये वॉशरूम है, क्योंकि हानले में आपको बहुत रिमोट एरिया इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, नेटवर्क तो ज़ीरो ही है। ये देखो सभी फैमिली मेम्बर्स ने यहाँ पे होम स्टे बना रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वाइट पाउडर लगा रहे हैं और साथ में गाना बोल रहे हैं, काम करते हैं। ये ब्रिक्स हैं, एक्चुअली मिट्टी से बनी हुई ब्रिक्स हैं, और ये मिट्टी से ही इसको फिक्स कर रहे हैं, और ये गर्म रहती है। इनको बोलो थोड़ा ऊंची बोले। ये फैमिली मेंबर लेबरर नहीं है, ये सारे फैमिली मेंबर ही हैं। एक दूसरे के लगाते जा रहे हैं फेस। वो बच गया है, जो ऊपर है सबसे वो बचा हुआ है। काम आसान हो जाता है ना, काम आसान हो जाता है, इंजॉयमेंट हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड की वजह से ना थोड़ी सी मेरे को हेडेक होने लग गई थी, अभी थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ, मैंने एक घंटे की नींद ली है और अभी मैं चाय का मज़ा ले रही हूँ हानले में। और मेरे सामने वो ऑब्जर्वेटरी है वो, और क्लाउड्स कितने, मैंने तो सोचा था कि शायद हानले में बारिश होती नहीं है, बट नहीं बारिश होती है अभी वो बता रहे हैं। पर देखिए स्काई कितना क्लियर है, और ऑब्जर्वेटरी में भी जाने का कुछ खास फ़ायदा नहीं है, वो बताते ही हैं कि क्योंकि ये तो वैसे ही टेलीस्कोप से चलती है, कोई बैंगलोर से, पटियाला से भी चलती है, मतलब जो नॉर्थ साइड का जो मतलब टेलीस्कोप है वो पटियाला यूनिवर्सिटी में है, वहाँ से ये कनेक्टेड है। राइडर्स भटक रहे हैं, अपने अपने रेजिडेंस को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑल हानले इज पैक्ड, बहुत सारे टूरिस्ट हैं और होम स्टे बहुत कम है। ये रॉयल इनफील्ड का भी एक इवेंट है, हिमालयन ओडिसी, उसके भी शायद कुछ राइडर्स हैं। और रात को ये जो पूरे अगर स्काई क्लियर हुआ तो यहाँ से गैलेक्सी मिल्की वे बहुत अच्छे दिखते हैं, वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ का वेदर एनवायरनमेंट सूट करता है, इसीलिए ये ऑब्जर्वेटरी जो है हाई एल्टीट्यूड पे बनाई गई है। वो उधर से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश ही हो रही है, कैसे पीछे सूरज है तो सूरज की किरणें यहाँ से नीचे दिख रही हैं। टूरिस्ट सच्ची में गंद बहुत मचाते हैं, आई कैन से, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है ना ये। और ये देखिए बियर के कैंस पड़े हुए हैं, मेरे को तो लगता है कि अपना कचरा हमें खुद संभाल के अपने साथ ही लेके जाना चाहिए, बट अगर साथ नहीं लेके जा सकते तो एटलीस्ट डस्टबिन रखे हुए हैं हर एक होम स्टे में, उनमें तो थ्रो करें। अगर यहाँ पे बैठ के पिया भी है
तो भी बैड हैबिट। पिछले 2 सालों से तकरीबन मैं सोच रही हूँ हानले उमलिंगला हानले उमलिंगला, और फाइनली अभी पहुँची हूँ उमलिंगला। सॉरी, तो फाइनली अभी पहुँची हूँ मैं हानले, और सुबह जाएंगे उमलिंगला। उमलिंगला के 2 रास्ते हैं, एक ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है और एक है बिल्कुल पक्का रास्ता। और सोचा तो ऐसे है कि दोनों करेंगे और देखते हैं सब जब सुबह निकलते हैं, क्योंकि जब किसी मिशन पे निकलते हैं ना और तब वाइब और होती है। और दूसरा, मेरे को खुद अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक आपने टारगेट लिया है कि 15 अगस्त को उमलिंगला जाना है, तो वो कल ड्रीम पूरा होने वाला है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज है 15 अगस्त और मेरा टारगेट उमलिंगला जाने का आज पूरा होगा और मैं अपने सफर पर निकल रही हूँ। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उमलिंगला में। थैंक यू।